orang kita aku patah ini celah. Berhasil beri speedo. Hari, साहब के कमरे में चाय भिजवा दी। जी नहीं, ये लगा दी है, अभी पहुंच जाऊंगा। अरे मेरी चाय यहीं लेकर आओ। मंदिर का दरवाजा खुल गया। मंदिर? मुझे तो लगा जैसे मैं जेल से बाहर आया हूं। पापा, अगर आदमी जेलर भी खुद हो और कैदी भी, तो फिर जेलर से शिकायत कैसे करेगा? ठीक कह रहे हो ललित, लेकिन समाधि लगाने भी बहुत जरूरी थी। तपस्या से खुश होके भगवान कहते हैं वर मांगो। पापा, आपने कुछ मांगा? फल तो मिला है, और वो फल मैं तुम सब लोगों में बांट देना चाहता हूं, लेकिन ये है वो फल, मेरी वसीयत। वसीयत? पापा, आपने तो मुझे भी हैरत में डाल दिया। आप इतने दिनों से वसीयत लिख रहे थे? लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन सोचने में बहुत वक्त लगता है, समाधि लगानी पड़ती है, और ये वसीयत मैंने बहुत सोच समझ कर लिखी है। जतिन का सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। मुझे खुशी है ललित कि तुम अपने बड़े भाई जतिन के साथ कंधे से कंधा जोड़कर खड़े हो गए हो, और कांति की वजह से चंद्रलेखा और मैं दादा दादी बनने वाले हैं। ऐसे में देखो, फैमिली और बच्चे माँ बाप का एक्सटेंशन होते हैं। जैसे मैं यहां हूं भी, और मैं आगे भी बढ़ गया हूं। जैसे अगली जनरेशन माँ बाप की हुई हुई फसल, यानी नई नस्ल। एक्जेक्टली। तो नई पीढ़ी से, नई नस्ल से मेरी एक रिक्वेस्ट है, हुक्म नहीं, रिक्वेस्ट, कि वो पिछली पीढ़ी से, यानी मुझसे, किसी तरह का कोई सवाल ना करे। ये वसीयत 15 दिन के बाद खोल कर पढ़ी जाए, और इसके बाद जिसके जो मन में सवाल आए वो एक दूसरे से पूछे, मुझसे नहीं। आखिरी बात, घर का मामला घर तक रहे, घर के मैले कपड़े चौराहे पर ले जाके ना धोए जाए। मैं तुम्हारे आराम में विघ्न डालने नहीं आई हूं, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। शास्त्रों के अनुसार पत्नी को पति से सब कुछ पूछने का पूरा अधिकार है, पूछो। एक बात बताइए, वसीयत लिखने का मतलब क्या है? तुमने नई वसीयत कब और क्यों लिखी? शास्त्रों में पति को यह भी अधिकार दिया गया है कि अगर पति सच बोलना ना चाहे तो वो खामोश ही रहे। तुम मुझसे बहुत दिनों से बहुत कुछ छुपा रहे हो। क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि आप मुझे अपने सच के काबिल नहीं समझते? देखो चंद्रलेखा। देखिए हसमुख जी, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि वक्त आने पर बताऊंगा, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और वसीयत की बातें इस तरह से कौन करता है पता है, जो लंबी यात्रा पर जाने वाला हो? वो क्या आप कहीं जा रहे हैं? तुम इतनी सी बात भी नहीं समझ सकते? अंत में सबको जाना है, तुमको जाना है, मुझको जाना है, सबको जाना है, तो फिर जाने की तैयारी करने में हर्ज क्या है? ये बात कहकर आप मुझे दुखी कर रहे हैं। जाना अगर सच्चाई है, तो जिंदा रहना भी सच है। आप बद्रीनाथ चाहिए, केदारनाथ चाहिए,
दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, मैं आपके साथ जाऊंगी। चंद्रलेखा, देखो चंद्रलेखा, हम जहां तक साथ साथ चल सकते हैं जरूर साथ चलें, ठीक है? अच्छा अच्छा ये बताओ कि आज दिन कौन सा है? दिन का क्या मतलब? आज शनिवार है। शनिवार तो बहुत बुरा दिन माना जाता है, बुधवार अच्छा दिन है। एक काम करते हैं, बुध को तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। पंडित से मुहूर्त निकलवाओगे? हसमुख जी, आज फिर आप पहलू बचाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। देखो चंद्रलेखा, पति अगर पहलू बचाए तो उसे बचाने देना चाहिए, वरना साया देने वाला पल्लू फटता है। तुम तो इतनी समझदार हो, इतने दिन इंतजार किया है, दो तीन दिन और धीरज नहीं रख सकती? ठीक है, मैं इंतजार करूंगी, दो तीन दिन और सही। हमारे जैसे पंछी आते हैं। हमारे जैसे? हमारे जैसे मतलब जो छुप कर बैठ कर बातें करना चाहते हैं। वेलकम टू आवर फार्म सर। थैंक यू। कमाल है रोहित बाबू, इतने बड़े शीश महल में ये झोपड़ियां कैसे बनाए रखी है। तुम्हें अच्छी लगी ना झोपड़ियां? हाँ। रेशमा जंगल इतना बड़ा होता है लेकिन पंछियों को घोंसले में ही आके आराम मिलता है। आओ बैठ। ऐसे नहीं रेशमा, एक बात पूछो रोहित बाबू, पूरा तो नहीं मानोगे। पूछो। मुझसे पहले और कितनी रेशमा लाए हो? तुम्हारे जैसी मिली नहीं रेशमा, मिलती तो जरूर लेके आ। नहीं तो मैं कहूँ तो बड़ा होशियार हरामी है। नीचे रखो रेशमा। भगवान को ही तो याद करते हैं। मुझे मुसीबत का मां? तुम्हें नहीं, वो जो पीछे बैठे हैं। देखना मत। अरे वो भी काहे की मुसीबत? वो भी दो पंछी, हम भी दो पंछी। ए बबुआ, कोनो चिंता नहीं करो, आराम से बैठो, ये घर अपना ही है, ये कुछ कहेगा तो हम ही का संभाल लेंगे। ये कौन है? बंजारा है। वो तो मैं भी देख रही हूँ, पर यहाँ क्या कर रही है? हम क्या के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने बारे में बात करते हैं। हाय 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 क्या कर रहे हो? कौन रिश्तेदार गुजर गया है का? धीरे बोलो रेशमा, क्या खाओगी? तो है जो पसंद, पर कच्ची आम की चटनी जरूर मंगवाना। काश इतने से काम के लिए मुझे अपना खादिम रख लिया होता। किस काम के लिए? झुमका बालों में उलझ जाएगा तो सुलझा दिया करूंगा। क्या कहने हैं? सुबह को कंघी करोगे? सीसा लेकर सामने खड़ी रहा करूंगी,
फिर चप्पल औधी हो जाएगी तो सीधी कर दिया करूंगी। अच्छा, आंचल कांटों में फंस जाएगा तो निकाल दिया करूंगा। और रात को नींद नहीं आएगी तो लोरी सुनाऊंगा। इतने भारी भारी काम करोगे तो पगार क्या लोगे? बस कभी कभी मुस्कुरा कर देख लिया कर। इतने से तुम्हारा पेट भर जाएगा रेशमा। पेट का नहीं मालूम पर दिल जरूर भर जाएगा। तुम्हारी नौकरी पक्की। तुम कह रहे थे तुम्हारी कुछ मोटरबोट्स हैं? है ना। माया जी, हेलो। बैठिए बैठिए। थैंक यू माया जी। पता नहीं क्यों आप जब भी बुलाती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। कसूर आपका नहीं है। आप शादीशुदा है ना? हाँ हूँ, मगर मैं अपने धंधे में अपनी बीवी को शामिल नहीं करता। जब आप बिजनेस करने लगेंगे आपको बीवी की भी जरूरत महसूस होगी। खैर, ये आपका जाती मामला है। मैंने आपको सिर्फ ये कहने के लिए बुलाया है, जब तक सिलिकॉन वैली का प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो जाता आप जतिन या ललित को नहीं मिलेंगे। क्या बात है, जान सकता हूँ ये नादिर शाही हुक्म किसका है? बाबूजी का। आपके और मेरे बीच में जो धंधा चल रहा है उसमें बाबूजी कहां से आ गए? देखिए, आप अपनी भाषा ठीक रखिए, मुझसे ऐसी बाजारी लैंग्वेज में बात मत कीजिए। आप शायद भूल गए हैं कि आपके और मेरे बीच बिजनेस डील हुई है। अजी, जो भी डील हुई है आपने अब तक तो मेरे नाम कोई शेयर्स किए नहीं है, और अगर कर भी दिए तो ये मत समझना कि आपने गोपाल को खरीद लिया है। गोपाल किश्तों में बिकता जरूर है मगर उसे पूरी तरह खरीद ले इतना दम किसी में नहीं। और रहा सवाल भाषा का, तो जो औरत धंधे में, मेरा मतलब है बिजनेस में उतर आती है उसे हर तरह की भाषा सुननी पड़ती है, है? आप शायद ये भूल गए हैं, जब ईला सिंघानी की डायरी चोरी हुई थी तो उस उलझन से मैंने ही आपको बाहर निकाला था। फसाया भी आप ही नहीं था। आपका स्टाइल बड़ा कमाल का है माया जी। पहले चोर से कहती है कि भाई चोरी कर ले, और शाहूकार से कहती है कि सावधान चोर आने वाला। आपने मुझे घटाया नहीं लेकिन अपने आप को तो पढ़ाया। माना कि जीजे की बैड लिस्ट में मैं नहीं हूं मगर तुम
उनके गुड लिस्ट में तो आ गई ना, है? दूसरे के कंधे पर चढ़कर अपना कद बढ़ाना तो कोई आपसे सीखे। कंधे का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी गोपाल का पांव किसी माया के पांव तले आ जाए। वार्निंग के लिए शुक्रिया। और कुछ? तामली का एक आदमी जुम्मा, आप उससे भी दोस्ती नहीं बढ़ाएंगे। आप मुझे धमका रही हैं? धमका नहीं रही हूं, और अगर आप ऐसा समझते हैं तो बताइए धमकी। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप मेरी बात का जवाब मत दीजिए, मगर सोचिए जरूर। एक कप चाय और लेंगे? पहले कप से मुंह का जायका बिगड़ चुका है। शुक्रिया। यहाँ बैठे कारों की रेस देख रहे हैं, बिजनेस की दौड़ में हम बुरी तरह पिट जाएं। क्यों, क्या हुआ भाई? कौन तुम्हारी दुम पे पांव रखकर चला गया? बैठो। वो बिल्ली तो मुंह भी नोच कर गई है। और बिल्ली क्यों, उसे तो शेरनी कहिए। कौन बिल्ली कौन शेरनी, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। ललित की बीवी माया। माया? माया है तो फिर उसे शेरनी ही कहना होगा। क्या किया उसने? बुलाकर धमकी दी है कि वो मुझे नंगा कर देगी, यानी एक्सपोज कर देगी। उससे दोस्ती बढ़ाने का तुम्हें ही शौक था, और वैसे भी तुम्हारे लालच की कोई सीमा है नहीं। चारों तरफ मुंह मारते रहते हो, तो भुगतो। भुगतना भुगताना तो हमें भी आता है। अगर वो आपके घर की बहू ना होती तो उसे सोसाइटी में ऐसा एक्सपोज करते हम कि कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती वो। ऐसी कोई हिमाकत नहीं करोगे तुम जिससे बाबूजी के सामने मेरा या ललित का सर झुके। वैसे भी ललित की जरूरत है मुझे। जरूरत है तो समझाइए उसे कि अपनी बीवी को संभाले। वैसे भी बिजनेस में औरतों को दखल देने की जरूरत क्या है? ठीक है मैं समझा दूंगा, लेकिन तुम मुझसे पूछे बगैर एक भी कदम नहीं बढ़ाओगे। आप उसे ही समझाइए तो अच्छा है, नहीं तो मुझे आप समझा नहीं पाए। शेरनी। मैं ठीक कह रहा हूं सर, नर्स और डॉक्टर से पता किया है, अन्ना को ठाकुर के कमरे में चक्कू घोंप दिया, और वो बच्चे का भी नहीं मालूम नहीं। अन्ना अपना काम नहीं कर सका, अगर वो मर भी जाए तो एक सवाल ये उठता है कि सब ठाकुर कहाँ है? वो पुलिस कस्टडी से घूम हो गया है, पुलिस खुद उसे ढूंढ रही है। हीरो, तुम बल्दानिया से निम्मो को बुलाओ, वही इन हरामजादों से निपटेगा। सवाल ये उठता है कि ठाकुर कहाँ है, कौन है जो उसकी मदद कर रहा है? ये कहाँ हूँ मैं? मुझे कहाँ उठा ले यार? तो महिला सिंघानी के फाइव स्टार होटल में। मतलब सरकारी जेल से प्राइवेट जेल में लाए हो? पुलिस तुम्हें हर जगह ढूंढेगी, मगर तुम यहाँ हो ये सोच भी नहीं पाएगी। जब तक यहाँ हो महफूज हो। बाहर निकलोगे तो जनाजे पर लिटाकर तुम्हें शमशान घाट ले जाएंगे। एक तरफ पुलिस तुम्हारी कब्र खोदने के लिए घूम रही है, और दूसरी ओर तुम्हारे साथी तुम्हारी चिता में आग लगाने के लिए बेताब है।
बस बस एक बार मुझे ठीक हो जाने दो। यही तो मैं भी चाहता हूँ, एक बार तुम ठीक हो जाओ फिर मिलकर जमाने भर को ठीक कर दे। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, ये मत कह। क्योंकि अपनी जान की कीमत तुम्हें किसी और की जान लेकर चुकानी है। गैंग वॉर शुरू हो, कौन कौन मरेगा ये दुनिया देखे। जिस जिस की अर्थी उठवाना। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ये लो ब्रांडी पियो और आराम करो। मुझे तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं। खून, मेरे हर खून के कतरे का हिसाब होगा। मैं अकेला नहीं हूं।